हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं सिनफिक स्टूडियो इंटरफेस के बारे में। सिनफिक स्टूडियो कैसे स्टार्ट किया जाता है इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिनफिक स्टूडियो। ओके, तो 1 2 में कैसे स्टार्ट किया जाता है आपने देख लिया। यहाँ पे एप्लीकेशन में ग्राफिक्स में सिनफिक का ऑप्शन होगा, तो ऐसे हम उबंटू में स्टार्ट कर सकते हैं। उबंटू में तो नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैं विंडोज में इंस्टॉल किया हुआ है सिनफिक स्टूडियो। ओके, मगर इसके इंटरफेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई इंटरफेस में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे उबंटू में इंस्टॉल करो या विंडोज में करो या मैक ओएस में करो, सभी में एक जैसा ही दिखेगा आप सभी को। ओके, मगर इसको स्टार्टेड करने का जो तरीका है दोनों में डिफरेंट है। ओके, आपको याद रखना है उबंटू के मेन्यू बार में कहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे सिनफिक स्टूडियो। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू में ग्राफिक्स में सिनफिक ऑप्शन होगा, यहाँ से हम सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बात और याद रखनी है आप सभी को कि यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जैसे सब एप्लीकेशन में एक ही विंडो में एप्लीकेशन ओपन होते हैं, प्रोग्राम ओपन होता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल विंडोज आपको दिखेगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट विंडो में यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट होगा। मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ सिनफिक स्टूडियो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो दिया गया है, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया है। आपने नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर दे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब तरीके बताए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो देख रहे हैं आप, प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज में ओपन होगा। यहाँ पे मैंने कोई फाइल आगे बनाई हुई थी तो रिकवर करना है, मेरे को अलर्ट कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को कोई फाइल नहीं चाहिए। ओके, पहले की तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल डिफरेंट विंडोज अपीयर ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट वाली ए स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ओके, तो ए वाली स्क्रीन है, टूल बॉक्स है, कैनवास है, ए पैनल है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ये इंडिविजुअल है सब, आप देख रहे हैं ए भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। ओके, तो सब इंडिविजुअल है। तो अभी आपने स्टार्ट किया सिनफिक स्टूडियो। ओके, सिनफिक स्टूडियो जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो क्या हुआ, डेस्कटॉप पे डिफरेंट डिफरेंट विंडो अपीयर हुई आपने देखी। ओके, इंडिविजुअल थी सभी विंडो। अब क्या है तो कि हम जब भी कोई ओपन करते हैं ओके सिनफिक स्टूडियो, तब हमारी जो स्क्रीन विंडो साइज जो होती है वो छोटी होती है, बड़ी होती है, तो कम करना या बढ़ाना वो जो कुछ है यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाउंड्री पे, जैसे विंडोज की बाउंड्री पे जैसे आप कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे एरोज आ जाता है। ओके, तो ऐसे हम इसको साइज को जो है कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन में जैसी जगह है वैसे आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा कि यहाँ पे सिनफिक स्टूडियो जैसे ओपन होता है तो डिफॉल्ट मोड में होना चाहिए, डिफॉल्ट विंडो अरेंजमेंट में होना चाहिए। जो नए दिख रहा है तो कैसे करना है, ओके, रीअरेंज कैसे करना है, तो इसके यहाँ पे तरीका दिखाया गया है। टूल्स में जाने का, फाइल मेनू में जाने का, टूल बॉक्स के फाइल मेनू में पैनल्स, इसमें रिसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये स्क्रीन, ओके, वैसे आपकी स्क्रीन दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है पैनल्स, मैंने डिलीट भी क्लोज कर दिए, ये भी क्लोज कर देता हूँ। अभी क्या ओपन है, एक टूल बॉक्स ओपन है, एक कैनवास ओपन है। ओके, दो ये स्क्रीन ओपन है अभी। तो अब मेरे को सभी पैनल चाहिए अभी, तो मैं क्या करूँगा, टूल बॉक्स के फाइल मेनू में जाऊँगा, पैनल्स में जाऊँगा, और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, कौन सा है, रिसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट, उस पे क्लिक करूँगा। तो आप देख रहे हैं जैसे पहले थी डिफॉल्ट, वैसे ही रीअरेंज होकर यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आ गई है ये स्क्रीन।
सभी विंडो ओके तो आप देख रहे हैं, स्क्रीन आपको दिख रही थी टूलबॉक्स कैनवास पैनल, वो क्या है तो कि सिनफिक्स स्टूडियो के कंपोनेंट्स है ओके सिनफिक्स स्टूडियो के इंटरफेस के कंपोनेंट है, वो याद रखना है आप सभी को। तीन कंपोनेंट है कौन कौन से, टूलबॉक्स कैनवास और पैनल ओके इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टूलबॉक्स के बारे में, टूलबॉक्स क्या है ओके तो ए टूलबॉक्स के बारे में हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पैनल को क्लोज कर देता हूँ। अभी ए टूलबॉक्स के बारे में देखते हैं हम। टूलबॉक्स इज अ मेन विंडो विच कंटेंट सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्टवर्क एज शोन इन फिगर 2.3 ओके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है टूलबॉक्स विंडो है ओके टूलबॉक्स विंडो में आपको सिस्टम मेनू दिखाई देगा ओके तो यानी कि फाइल्स हेल्प ओके इसके बाद सभी टूल्स हो गए तो यहाँ पे सभी टूल्स आपको दिख रहे हैं ओके तो इसके बारे में हम देखते हैं। और इसको एक बात बोली है यहाँ पे कि आपको याद रखनी है कि टूलबॉक्स है मेन विंडो है। मेन विंडो क्यों बोला गया है यहाँ पे कि जब भी हम सिनफिक्स स्टूडियो में वर्क करते हैं और टूलबॉक्स क्लोज करते हैं तो पूरे के पूरा सिनफिक्स स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा ओके यानी कि आप टूलबॉक्स को क्लोज करते हैं तो हमारी जो सिनफिग एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी, इसलिए उसको मेन विंडो बोला गया है ओके तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सिनफिग स्टूडियो की बंद हो गया है ओके तो सिनफिग स्टूडियो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को रीअरेंजमेंट करना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पैनल्स नहीं आई है ओके तो मैं टूलबॉक्स में फाइल मेनू में जाऊँगा पैनल्स में और एक ऑप्शन दिया गया है रिसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे सिनफिग स्टूडियो की रीअरेंजमेंट होकर आ गया है विंडो ओके तो आप देख रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि यूजिंग द टूलबॉक्स वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव द फाइल एंड सेटअप प्रॉपर्टी। द टूलबॉक्स ऑल्सो कंटेन द जनरल टूल्स लाइक सर्कल, ट्रैक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हम टूलबॉक्स की मदद से हम नई फाइल बना सकते हैं, नई जो बनाई हुई फाइल है इसको ओपन कर सकते हैं, हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेटअप प्रॉपर्टीज कर सकते हैं ओके। इसके अलावा कौन कौन से सर्विस है तो कि टूलबॉक्स है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या एडिट करने के लिए सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर टूल्स प्रोवाइड भी करता है ओके। इसके बाद आता है ये वाला भी आपको याद रखना है, ये पार्ट जो है द टूलबॉक्स विंडो इज सेपरेटेड इनटू थ्री एरिया ऑफ पैलेट। यानी कि टूलबॉक्स विंडो जो आपको दिख रही है तो ए टूलबॉक्स विंडो आपको तीन कैटेगरीज में दिखाई दे रही है डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स ओके। दिस वन इज फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अपर पैलेट, this one is second part is called is middle palette and this one is called third part is called lower palette. yani ki upper palette, lower middle palette or lower palette aise divide kiya gaya hai, separate kiya gaya hai to ye humko dekhna hai okay. to yahan pe main abhi panels ki koi zarurat nahi hai, maine usko close kar diya hai तो अभी हम आगे देखते हैं ओके ओके। तो टूलबॉक्स के अपर पैलेट में क्या कर सकते हैं हम, तो टूलबॉक्स के अपर पैलेट में न्यू फाइल बना सकते हैं, ओपन फाइल यानी कि पहले से जो बनाई हुई फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, सेवेज कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, अंडू रीडू तो आपको पता ही होगा ओके। इसके बाद सेटअप भी कर सकते हैं ओके। तो इन सभी चीज़ें हम टूलबॉक्स के अपर पैलेट में कर सकते हैं ओके। इसके बाद आता है मिडल पैलेट, मिडल पैलेट में क्या कर सकते हैं, मिडल पैलेट वी हैव द टूल्स लाइक ट्रांसफॉर्म टूल, स्मूथ मूव टूल, स्केल टूल, रोटेट टूल, मिरर टूल,
सर्कल टूल, रेक्टेंगल टूल, स्टार टूल, ग्रेडियंट टूल, पॉलीगन टूल, बी लाइन टूल। ओके, तो इन सभी जो है टूल्स यहाँ पे आपको देखेगा, जिसके मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ओके, मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। We will learn more about each tool later in this chapter. यानी कि आगे वाले जो पोर्शन में आएगा अभी सभी टूल्स के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, उसका पूरा एक वीडियो होगा, वो आप देख लेना। इसके बाद आता है थर्ड पैलेट, यानी कि लोवेस्ट पैलेट। लोवेस्ट पैलेट में क्या है? ओके, तो लोवेस्ट पैलेट में क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे आपको मेरे ओरिजिनल जो विंडोज है वो दिख रही है आपको टूल बॉक्स, और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है वो देख रहे हैं। ओके, तो ये अपर पैलेट, मिडल पैलेट और लोअर पैलेट, यहाँ पे नेम इंडिकेट किए हुए है वो आप देख रहे हैं। तो लोवेस्ट पैलेट क्या करता है, उसका यूज क्या है? तो लोवेस्ट पैलेट कंटेंट द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर न्यू लेयर। ओके, तो नए लेयर के लिए जो भी डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो कहाँ पे होते है? लोअर पैलेट में होते है। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस करेंगे, ओके, यहाँ पे जो भी हम कुछ करते हैं, ओके, इन सभी चेंजेस जो है वो जब हम लेयर बनाते हैं तो उस पे अप्लाई हो जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का। ओके, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में क्या आता है? तो ये वाला है फोरग्राउंड कलर यानी कि आउटलाइन कलर, ए वाला है फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसेट कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि आपने कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी आपको जो है कलर सिलेक्शन कर दिया है, अब मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्वैप फिल एंड आउटलाइन कलर है, यानी कि स्वैपिंग हो जाएगा दोनों कलर में, फिल कलर पे आउटलाइन कलर आ जाएगा, आउटलाइन की जगह पे फिल कलर आ जाएगा। ओके, इस तरह पे हम स्वैप कर सकते हैं। हमने देख लिया कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रश साइज। ब्रश साइज यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये ब्रश साइज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रश साइज है। ओके, तो वो क्या करेगा, आउटलाइन जो नए लेयर बना रहे हैं आप, इसकी जो आउटलाइन है इसकी साइज यहाँ पे सेट की जाती है। इसके बाद है ब्लेंड मेथड। सेट द ब्लेंड मेथड विच विल द डिस्कस इन लेटर चैप्टर, यानी कि इसके बाद वाले जो भी चैप्टर है इसमें ब्लेंड मेथड का बहुत ही यूज होता है, तो इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपकी जो सेट बाय लेयर डिफॉल्ट जो मेथड है वो सेट होनी चाहिए, वरना आप जो भी कैनवास में ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे बाय लेयर डिफॉल्ट है, आपकी जरूरत के अनुसार आपको यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करनी है, मगर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बाय लेयर डिफॉल्ट ही रखना है, वो आपको ख्याल रखना है। ओके, इसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी यानी कि हमारा जो नया लेयर बनाते हैं इसकी ओपेसिटी कितनी विजिबिलिटी रखना चाहते है। ओके, विजिबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम कितनी होते है तो कि वन होते है, और मिनिमम कितनी होते है तो कि जीरो होती है। जीरो यानी कि इनविजिबल है, हमारा जो लेयर है वो इनविजिबल है, पूरे वन है। ओके, तो वन का मीनिंग है कि लेयर इज विजिबल। ओके, पूरे का पूरा लेयर हमारा विजिबल होगा। ओके, इसी तरह से इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यूज बाय ग्रेडियंट लेयर एज देयर फिल, इट सेट टू डिफॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन द फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का जो सेट किया हुआ है इसका यहाँ पे ग्रेडियंट सेट किया गया है, और इसमें आपको चेंजेस भी करना है तो यहाँ से हम चेंजेस भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ग्रेडियंट एडिटर आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारी जो जरूरत है उस हिसाब से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको 3, 4, 5 जितने भी कलर चाहिए यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट सी पॉइंट करेंगे तो नया कलर ऐड कर सकेंगे। इसके बाद फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट सी पॉइंट करूँगा और यहाँ से नया कलर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट सी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपकी जितना भी ऐड करना है कलर यहाँ पे सेट बना सकते हैं। तो ऐसे हम ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 5 कलर का यहाँ पे आपको ग्रेडियंट दिख रहा है। और ग्रेडियंट दिखेगा कैसा, यहाँ पे हमारा जो कैनवास है इसके अंदर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कर्सर को। और यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्पाइरल सिलेक्ट किया टूल ऑप्शन पैनल में, और यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो इसी हिसाब से हम ग्रेडियंट है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यानी कि इच वे पॉइंट हैज एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइन द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंज, यानी कि जो भी हम पैरामीटर को चेंज करते हैं, इसके जो भी चेंजेस है उसको स्टोर करना इंटरपोलेशन का काम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन ये सभी इंटरपोलेशन है। तो यहाँ पे ये वे पॉइंट हमारे जो पैनल होगा उसके अंदर आपको दिखाएगा। हाँ, टाइमलाइन पैनल पे आपको दिखेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपडेट हो रहे हैं, सभी के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद आता है कैनवास टूल बॉक्स जो है, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम जानकारी लेते हैं कैनवास के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक कैनवास ओपन कर रहा हूँ। तो कैनवास में आप देख रहे हैं कि कैनवास जो है ये ऐसे विंडो है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल सी द कैनवास विंडो, तो आपको ऐसे विंडो दिखेगी। इट कैन बी सीन एट द सेंटर ऑफ यूजर इंटरफेस, यानी कि आपको सेंटर में दिखेगी ये विंडो। जब भी हम सेनफिक्स स्टूडियो ओपन करते हैं तो ये विंडो कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी। दिस इज द प्लेस वेर यू डिस्प्ले योर आर्टवर्क एंड क्रिएट एनिमेशन, यानी कि यहाँ पे ये वाला ये वो प्लेस है जहाँ पे हम हमारा जो आर्ट वर्क है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। वेन एवर वी स्टार्ट सिनफिक्स स्टूडियो अ न्यू कैनवास विंडो अपियर, जब भी हम सिनफिक्स स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तभी नई वाली कैनवास विंडो आपको अपियर होगी, डिस्प्ले होगी। तो कैनवास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बटन है यहाँ पे, इसको कैरेट बटन बोलते हैं, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंडिकेट भी किया हुआ है। इंडिकेटर दिखाया गया है आप सभी को। तो ए वाला जो बटन है कहाँ पे है, सिनफिक्स के कैनवास विंडो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे। तो एक बटन दिख रहा है आप सभी को। ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो एक कैनवास मेनू ओपन होता है। तो इस को हम बोलेंगे कैरेट बटन, क्या बोलेंगे, कैरेट बटन। इसके बाद आता है ए वाला जो भाग है, ए पोर्शन जो है उसको बोलते हैं वर्क एरिया, क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। इसके बाद आता है ए वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको स्केल जैसा दिख रहा है ये। तो इसको टाइम लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। तो टाइम लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, टाइम लाइन के राइट हैंड साइड पे क्या आता है, वो सभी के बारे में हमको देखना है। तो टाइम लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको करंट टाइम दिखाएगा। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे आपको लॉक अनलॉक के बटन होंगे और एनिमेशन स्टार्ट और स्टॉप करने का बटन, ये दो बटन आपको दिखेंगे। तो इस तरह की कैनवास विंडो है जो हमने देखी। और नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको खास याद रखना है, द एरिया विद द ग्रे चेक बोर्ड पैटर्न इज द वर्क एरिया इन विच यू कैन क्रिएट एलिमेंट लेयर एंड मैनिपुलेट देम।
ओके, यानी कि हम यहाँ पे हमारा जो चेकबोर्ड है इसके अंदर एक ग्रे कलर का चेकबोर्ड है उसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। ओके, तो वर्किंग एरिया में क्या कर सकते हैं, तो कि हम यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट या लेयर है उसको क्रिएट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या बोला था मैंने कि हमारी जो कैनवास विंडो है इसके लेफ्ट हैंड टॉप साइड पे आपको एक बटन दिखेगा। ओके, और ब्लैक ट्रायंगल बटन है उसको कैरेट बटन बोलते हैं। वहां पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कैनवास विंडो मेनूज ओपन हो गए। ओके, पॉपअप विच अलाउ एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द सिनेफिक फीचर्स, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होंगे सिनेफिक स्टूडियो के जिसके हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी याद रखना है कि एप्लीकेशन यू फाइंड द सेट ऑफ मेनूज एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ द ड्रॉइंग विंडो। ओके, हमारे जो ड्रॉइंग विंडो है यानी कि कैनवास है, कैनवास के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको दिखे। इसके बाद आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन जो है इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं इसके डायलॉग बॉक्स में। ओके, तो कैसे करना है आगे जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइमलाइन में कैसे चेंजेस होता है। ओके, इसका सेटअप होता है, इसका सेटिंग डायलॉग होता है तो सेट करना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइमलाइन के लेफ्ट साइड में क्या था, मैंने आपको बोला था टाइमलाइन के लेफ्ट साइड में क्या था। आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन है, ये वाली टाइमलाइन, इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, करंट टाइम। ओके, तो करंट टाइम आपको दिखेगा। ओके, इसके राइट हैंड साइड पे टू बटन है, कौन कौन से है, तो के एक है स्विच द एनिमेशन स्टेटस यानी के वाला। ओके, टर्न ऑफ एनिमेट एडिटिंग मोड, यहाँ पे क्लिक करूंगा दूसरा बटन आ जाएगा वही जगह पे। ओके, टर्न ऑफ एनिमेट एडिटिंग मोड, तो ये बटन होगा पहला स्विच द एनिमेशन स्टेटस, एंड दूसरा है टू लॉक अनलॉक द की फ्रेम, की फ्रेम को लॉक अनलॉक करने के लिए दो बटन दिए गए। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैनवास के बारे में पूरी जानकारी ले ली हमने, टूल बॉक्स के बारे में भी देख लिया हमने, टूल बॉक्स में कौन कितने पैलेट्स है, ओके सभी पैलेट्स का यूज क्या है वो भी हमने देख लिया है। ओके, तो अभी यहाँ तक ही हमको सीखना है। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है यानी कि ये वाला जो पोर्शन पैनल वाला। ओके, तो पैनल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशली इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। जो आपने सिनेफिक स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है, इसका वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, वहाँ से आपको आप देख सकेंगे कि सिनेफिक स्टूडियो डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, आई होप यू सी दिस वीडियो वेरी वेल। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, गुड बाय ऑल ऑफ यू।